नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आज वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की। राष्ट्रपति चुनाव से पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति होने की वजह से 2020 के कैपिटल हिल हिंसा के मामले में उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का एक और मौका मिलना चाहिए। यानी कोर्ट की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को एक और मौका अपनी बेगुनाही साबित करने का दिया जाएगा और अदालत अब 22 अप्रैल को उनकी दलीलों को सुनेगी। तो चुनाव से पहले ये ट्रंप के लिए बहुत अच्छी खबर है। और अब बात करेंगे टेक्सास की, जहां पर जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। टेक्सास में सोमवार से भड़की जंगल की आग अब बेकाबू हो गई। आग से अब तक करीब 5 लाख एकड़ जंगल जलकर खाक हो चुका है। तेज हवा और गर्मी से लगातार आग जो है वो फैल रही है। भीषण आग से कई इमारतें तबाह हो गई। आसपास के जो इलाके हैं वहां पर लोगों को काफी परेशानियां आ रही हैं, लेकिन जो जंगल का बड़ा इलाका है वो जलकर खाक हो चुका है। और अब बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका के इदाहू में एक सीरियल किलर को सजाए मौत देते वक्त एक अजीबोगरीब घटना सामने आ गई। दरअसल अमेरिका में नशीला इंजेक्शन देकर सजा देने का भी प्रावधान है, और ऐसे में एक सीरियल किलर को ये इंजेक्शन देना था, लेकिन जब उसे ये इंजेक्शन दिया जा रहा था तो मेडिकल टीम को उसकी नस नहीं मिली। एक घंटे तक कोशिश की गई, लेकिन बावजूद उसकी नस को नहीं ढूंढा जा सका जिसमें उसे इंजेक्शन देना था, जिसकी वजह से कुछ दिनों के लिए उसकी सजा को रोक दिया गया है। क्रीज को 5 हत्याओं के मामले में ये सजा सुनाई गई थी। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान की एक एयर होस्टेस कनाडा में लापता हो गई है। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA की एक और एयर होस्टेस कनाडा में लापता हो गई है। उसका नाम मरियम रजा है। मरियम सोमवार को अपने होटल से गायब हुई थी। उनके रूम में उनकी यूनिफॉर्म मिली है और उनकी यूनिफॉर्म पर लिखा हुआ है थैंक यू PIA। इससे पहले भी कई सारे ऐसे एयर होस्टेसेस हैं जो लापता हो गई हैं पाकिस्तान के, और कहा जा रहा है कि ये सारी कनाडा में सेटल हो गई हैं। और अब बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका के नॉर्वे में समंदर में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी और क्रैश लैंडिंग करवाई गई, और इस हेलीकॉप्टर में कुल 6 लोग सवार थे। बाद में सभी लोगों को समंदर से बाहर निकाला गया, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना बर्जेम में हुई है। बुधवार शाम 7:30 बजे के बाद से हेलीकॉप्टर लापता था, और तभी कुछ लोगों ने क्रैश साइट के पास कुछ लोगों को समंदर में देखा और फौरन ही प्रशासन को इसकी जानकारी दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल अस्पताल की तरफ से कोई भी हेल्थ अपडेट अभी तक नहीं दिया गया है। और चलिए इसी के साथ वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम।